और अब विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों की कमी का सामना कर रहे रूस को उत्तर कोरिया से बड़ी उम्मीदें हैं। 4 साल बाद जंग के बीच रूस के दौरे पर पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की पुतिन से कल होने वाली मुलाकात में हथियारों की बड़ी डील हो सकती है। यूक्रेन जंग में किम जोंग के रूस दौरे को लेकर अमेरिका बुरी तरह से भड़का हुआ है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किम ने रूस को हथियार दिए तो उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हथियारों के बदले रूस उत्तर कोरिया को खाद्यान्न सामग्री देने वाला है। किम जोंग के रूस दौरे के बीच कोरियाई प्रायद्वीप में संकट के बादल और घने होते जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से तनाव बढ़ रहा है। रूस ने कहा कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट ड्रिल से कोरियाई प्रायद्वीप नई मुश्किल में फंस सकता है। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री सर्गेई मार्चेंको ने कहा है कि रूस के खिलाफ जंग अगले साल भी जारी रह सकती है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने 2024 की जंगी तैयारी के लिए अमेरिका से $14 बिलियन की मदद मांगी है। युद्ध होने से अब तक अमेरिका यूक्रेन को $43 बिलियन से ज्यादा दे चुका है। अमेरिकी आर्मी के चीफ जनरल मार्क मिले ने एक इंटरव्यू में रूसी आरोपों पर मोहर लगा दी। मार्क मिले ने चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यूक्रेनी सेना को खुफिया जानकारी देती है। मिले ने कहा कि CIA ने युद्ध से जुड़ी जानकारी दी। रूस ने एक बार फिर बाल्टिक सागर के ऊपर Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर की ताकत दिखाई। 2 रूसी विमान ने काफी देर तक बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। कल ही जर्मनी ने बाल्टिक रीजन में नाटो का रीजनल मुख्यालय बनाने की अपील की है। उसके बाद रूस ने हवाई एक्शन तेज कर दिया। रूस के खिलाफ जंग में एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत को देखते हुए बाल्टिक देश एस्टोनिया और लातविया ने जर्मनी से 360 मिलियन यूरो की लागत से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। अगले 3 सालों में दोनों देशों को एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। चीन की साजिशों के बीच इंडोनेशिया के जावा में अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की वॉर ड्रिल चल रही है, जिसमें इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इस वॉर ड्रिल में भविष्य में चीन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों को परखा गया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बॉर्डर पर कभी भी जंग शुरू हो सकती है। बॉर्डर पर दोनों ओर से तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसी बीच आर्मेनिया और अमेरिका की 10 दिनों की वॉर ड्रिल शुरू हुई है। इस ड्रिल के दौरान अमेरिका आर्मेनिया के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देगा।